दोस्तों, अगर आप एक रियल में स्मार्टफोन यूज़र हो और आप अपने स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हो तो आज का वीडियो है आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको रियल में स्मार्टफोन कैमरे की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हो सकता है आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर गलत तरीके से सेटअप करके रखे हो, जिसकी वजह से आपको अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटोज़ और वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने रियल में स्मार्टफोन कैमरे की सारी सेटिंग्स को सही तरीके से सेटअप कर सकते हो ताकि आपको अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटोज़ और वीडियोज़ मिल पाए, आज के इस वीडियो में हम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको कुछ फोटोग्राफिक टिप्स भी दूंगा, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को इंप्रूव करने में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला सेटिंग है हमारा एस्पेक्ट रेशियो, जिसे कि हम आसान भाषा में फ्रेमिंग के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करके रखते हैं। इस चीज़ को मैंने पर्सनली देखे हैं कि ज़्यादातर लोग अपना जो फ्रेमिंग है उसको फुल स्क्रीन पर सेट करके रखते हैं। अपने फ़ोन के अंदर बढ़िया सा डिस्प्ले होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी फोटो का जो फ्रेमिंग है उसको 16:9 या फिर फुल स्क्रीन पर सेट करके रखते हैं। ना यहाँ पर 16:9 या फिर फुल स्क्रीन पर सेट करके रखने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है आपकी फोटो की क्वालिटी के ऊपर। अगर आप फुल स्क्रीन में फोटो कैप्चर करते हो, वो फोटो आपके फोन के अंदर दिखने में काफी बढ़िया लगता है, बिकॉज फुल स्क्रीन में सारी कुछ चीजें दिखने में बढ़िया ही लगता है, बट वहां पर आपका काफी ज्यादा क्वालिटी लॉस होता है। आपका जो स्मार्टफोन है वो 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो में आपको सबसे बेस्ट आउटपुट दे सकता है, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी में फोटो कैप्चर कर सकता है। और वहां पर अगर आप कोई दूसरा फ्रेम सिलेक्ट करते हो, जैसे कि 16:9 या फिर फुल स्क्रीन में अपने फोटो को कैप्चर करते हो, तो वहां पर आपका स्मार्टफोन करता क्या है कि जो 4:3 का फ्रेम है उसको ही क्रॉप करके आपको फुल स्क्रीन में प्रीव्यू देता है, तो पर आपका फोटो क्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फोटो का जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है, मोर पर्टिकुलरली जो रिजोल्यूशन है वो कम हो जाता है। तो फुल स्क्रीन फोटोज आपके फोन के अंदर तो दिखता बढ़िया है, बट एक्चुअल में उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन लॉस होता है, साथ ही साथ वहां पर जो आपका फ्रेम है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटो कैप्चर करने के लिए अपना जो फ्रेम है उसको फुल स्क्रीन से छोड़कर 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो पर सेट कर दीजिए। दूसरा सेटिंग है क्रोमा बूस्ट, और ये एक तरीके का मैजिक बटन है जो कि आपके रियलमी स्मार्टफोन कैमरे के अंदर होता है। क्रोमा बूस्ट को ऑन करने से आपका स्मार्टफोन आपकी फोटो के ऊपर जो कलर्स है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके जो फोटोज है आपके फोन के अंदर दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन क्रोमा बूस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्रोमा बूस्ट को ऑन करके जो फोटोज आप कैप्चर करते हो वो नेचुरल फोटोज नहीं होते हैं, वहां पर नेचुरल कलर्स कैप्चर नहीं होते हैं। आपके सामने जो एक्चुअल सीन है, जो एक्चुअल कलर्स है, वो वहां पर कैप्चर नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा बूस्ट होकर कैप्चर होते हैं। तो बेहतर यही है कि ज्यादातर वक्त आप क्रोमा बूस्ट को ऑफ करके ही अपने फोटोज को कैप्चर करो, ताकि आप नेचुरल फोटोज कैप्चर कर पाओ, और जब आपको जरूरत पड़े 2-4 बार आप उसको ऑन करके फोटोज को कैप्चर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, ये एक टिप्स है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आपने अक्सर रियलाइज करे होंगे, जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो या फिर आपको कोई अच्छा सा नेचुरल सीन दिखता है, वहाँ पर आप एक लैंडस्केप फोटो कैप्चर करते हो, और जो फोटो आप कैप्चर करते हो उसमें जो होराइजन लाइन है वो सीधा नहीं रहता है, किसी भी तरफ वो टिल्ट हो जाता है, और ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ अक्सर होता हो, खास करके बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होता है, और जिसकी वजह से आपकी फोटो का जो फ्रेमिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। किसी भी लेंस के फोटो में अगर होराइजन लाइन सीधा नहीं होगा तो उसका जो फ्रेमिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब दिखेगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने कैमरे के सेटिंग्स के अंदर आप जाइए, वहां पर आपको कॉम्पोजिशन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर आपको ग्रिड लाइंस ऑन करने का ऑप्शन दिखेगा, और वहां पर से आप ग्रिड व्यू को ऑन कर दीजिए। ग्रिड व्यू को ऑन करने से होगा क्या कि आपके कैमरे के अंदर ऊपर की तरफ से 2 और साइड से 2 लाइन आ जाएगा, और उस लाइंस को देखते हुए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई लेंस के फोटो कैप्चर करेंगे उस लाइंस को देखते हुए आप अपने होराइजन को सीधा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो फोटोज आप कैप्चर करेंगे उसमें आपका जो कॉम्पोजिशन है वो काफी बढ़िया होगा और काफी बेहतर फोटो आप कैप्चर कर पाएंगे। कॉम्पोजिशन एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोग्राफी का, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ये एक मिस्टेक है जो कि आप वीडियो कैप्चर करते वक्त करते हो। वीडियो कैप्चर करते वक्त अगर आपको कभी भी जूम करना पड़ जाए तो जूम करने के लिए वहां पर आपको 1x का जो बटन दिखता है उसके ऊपर आप टैप कर देते हो और डायरेक्टली 2x पर जूम कर देते हो, जो कि बहुत ज्यादा अननेचुरल दिखता है। तो वीडियो कैप्चर करते वक्त आपको हमेशा स्मूथली जूम करना चाहिए, जिसके लिए ज्यादातर लोग करते क्या है, कुछ इस तरीके से पिंच करते हुए जूम करता है, और ये भी एक गलत तरीका है, बिकॉज यहाँ पर भी जो जूम है वो स्मूथली नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका जो 1x बटन है उसके ऊपर आपको बस उंगलियां फेरना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक रिंग दिख जाएगा, जिसकी मदद से आप स्मूथली जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। ये एक तरीका आप फॉलो कर सकते हो, या फिर इसके अलावा भी अगर आपका स्मार्टफोन अपडेटेड है, आपका रियल में स्मार्टफोन अपडेटेड है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि अपना जो डिस्प्ले है उसके ऊपर अपनी उंगली को कुछ इस तरीके से अगर आप स्लाइड करेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि वहां पर आपको एक स्केल दिखेगा, 0.1
+0.1 +0.2 इस तरीके का स्केल दिखेगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो आपका जूम इन होगा, अगर आप इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो वहां पर आपका जूम आउट होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वीडियो कैप्चर करेंगे और आपको जूम करने का जरूरत पड़े तो वहां पर आप स्लाइड करके एकदम स्मूथली जूम करना, ताकि आपका जो वीडियो क्लिप है वो दिखने में बेहतर लगे। अब दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो मैं आप लोगों को और एक टिप्स देना चाहूंगा। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को लेकर कोई अच्छे से लोकेशन पर गए हो जहां पर आप कुछ स्पेशल फोटो कैप्चर कर रहे हो, तो आप अपने फोटोज को प्रो मोड के अंदर कैप्चर करिए एंड मेक श्योर कि प्रो मोड के अंदर जो रॉ फोटोज का ऑप्शन है उसको आप जरूर से जरूर ऑन कर दीजिए। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर रॉ फोटोज कैप्चर करने का ऑप्शन है तो उसको जरूर से जरूर ऑन कर देना। और रॉ फोटोज किस तरीके से अच्छे तरीके से कैप्चर किया जाता है और उसको एडिट किया जाता है उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है। रियलमी 7 से रॉ फोटोज मैंने कैप्चर करे थे, उसको एडिट करे थे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। सो यही रहा कुछ कैमरा सेटिंग्स और फोटोग्राफिक टिप्स, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने रियलमी स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर करना और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।